एक बार फिर से नेक्स्ट लाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साथ का पर बॉलीवुड में बहुत से अभिनेता आए अभिनेत्री आई, चाहे फिर वो 80 का दशक हो या फिर 70 का दशक, सबने अपनी अपनी पहचान खुद बनाई। वही दूसरी तरफ आपको बता दें, कुछ अभिनेत्रियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी पहचान तो बनाई लेकिन एकदम अलग तरीके से, लेकिन अब वो कहीं गायब सी हो गई और कई सालों बाद जब सामने आई तो ऐसी हालत में सामने आई कि उनको देखकर पहचान ही नहीं सकते कि वो वही अभिनेत्री, खूबसूरत अभिनेत्री है। इन्हीं में से एक है साधना। जी हाँ, जो अपने हेयर स्टाइल और कटिंग के लिए बॉलीवुड में इतनी जानी गई कि आज भी उस हेयर कट को नाम साधना हेयर कट ही दे दिया। आज भी साधना हेयर कट का नाम आता है तो हीरोइन साधना का नाम सबसे पहले सामने आता है। वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से अभिनेत्री साधना को एक ऐसी बीमारी हुई कि वो सुंदरता के, अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए लाइमलाइट से दूर हो गई। जी हाँ, उस बीमारी ने उनको इस कदर बदसूरत बना दिया कि उन्होंने दोबारा बॉलीवुड की तरफ नहीं देखा। तो चलिए दिखाते हैं उनकी तस्वीरें और बताते हैं उनके बारे में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साधना के पति ने कहा था कि इस घर से एक नहीं दो दो लाशें निकलेंगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साधना जो कि बॉलीवुड की, बॉलीवुड सिनेमा में 80 और 70 के दशक में अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और अलग फैशन के लिए पहचानी जाने वाली साधना और उस दौर में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही। वहीं साल 1960 में फिल्म लव इन शिमला से फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखने वाली साधना ने अपनी पहली फिल्म से, अपने हेयर स्टाइल से दर्शकों को दीवाना बना दिया। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान साधना को फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर से प्यार हो गया। तब साधना की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी और के नैयर की उम्र थी 22 साल। नाबालिग साधना का ये अफेयर, ये प्यार उनकी मम्मी को मंजूर नहीं था। साधना की मम्मी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी राजेंद्र कुमार की तरह दिखने वाले किसी शख्स से हो, लेकिन फिर साधना को उनके पापा का सपोर्ट मिला और उन्होंने 6 मार्च 1966 में फिल्म मेकर आर के नैयर से शादी कर ली। साधना उस दौरान में कई हिट फिल्मों में काम कर रही थी। साधना अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बखूबी से संभाल रही थी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया जब साधना के पति, जब आर के नैयर का बुरा दौर शुरू हुआ। आर के नैयर ने जिंदगी कितनी हसीन है और आओ प्यार करे जैसी दो बड़े बजट की फिल्में प्रोड्यूस की। दोनों फिल्मों में पैसा खूब लगा था, लेकिन किस्मत ने साधना के पति का साथ नहीं दिया और ये दोनों की फ्लॉप हो गई। आलम ये हुआ कि साधना के पति आर के नैयर कर्ज में डूब गए। आर के को इस बात का इतना तनाव हुआ कि वो अस्थमा जैसी बड़ी पीड़ित बीमारी का शिकार हो गए, जिसके बाद एक दिन उन्होंने साधना से कहा कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, लेकिन अगर मेरी मौत हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सारा कर्जा तुम्हारे सर पर आ जाएगा। अपने बीमार पति की ऐसी बात सुनकर साधना भी सकते में रह गई और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या पता आपसे पहले मैं दुनिया से चली जाऊं। इस बात पर उनके पति ने जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ तो इस घर से एक नहीं बल्कि दो लाशें उठेंगी। हालांकि जब उनके पति की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन्होंने उनकी मदद की और पैसे कमाने के लिए दोबारा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, साधना को कभी माँ बनने का सुख नहीं मिला, उनके और पति के बेबी नहीं हुआ। साधना अपना परिवार चाहती थी लेकिन एक मिस गैरेज के बाद वो कभी माँ नहीं बन पाई और इस वजह से साधना और उनके पति आर के नैयर में तलाक की नौबत तक आ गई थी। लेकिन बाद में आर के नैयर ने साधना को मना लिया और दोनों के बीच में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो गया। उसी दौरान साधना थायराइड की शिकार हो गई। 2 साल तक वो बोस्टन में महंगा इलाज करवाती रही। जब वो वापस लौटी तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि उन्हें वापस फिल्मों में लौटना पड़ा। लेकिन 70 के दशक में साधना ज्यादा हिट फिल्में नहीं दे सकी,
वहीं थायराइड की वजह से उनका चेहरा बिगड़ने लगा, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस देना बंद कर दिया था। 1995 की बीमारी के बाद साधना के पति आर के नैयर चल बसे, उसके बाद वो अकेली रह गई। वहीं साल 2014 में साधना ने एक फैशन शो के दौरान पब्लिक अपीयरेंस दिया। साइना एनसी के फैशन शो में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ रैंप वॉक किया था। अपने आखिरी दिनों में वो मुंबई के एक बंगले में किराए पर रहती थी। 25 दिसंबर 2015 को साधना की मौत हो गई। साधना लंबे समय की बीमारी में चल रही थी और 2015 में जाके उन्होंने दुनिया को और इस बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मानने को तो साधना बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में दी, लेकिन उनकी बीमारी ने उनको दिन ब दिन बदसूरत बना दिया और वो इस बदसूरती को लेकर पब्लिक अपीयरेंस बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। इसके चलते वो कैमरे लाइमलाइट से दूर हो गई। ना तो उनके पास अपना खुद का घर था, ना खर्च करने के लिए पैसे। आखिरी समय तक वो रहती भी किराए के बंगले में थी और वहीं पर उन्होंने दम छोड़ दिया। और ना तो उनकी कोई निशानी है और ना ही कोई बच्चा। जी हाँ साधना, आपको बता दें साधना इस कदर एक बीमारी का शिकार हुई। था तो उनको सिर्फ थायराइड, लेकिन थायराइड इस तरीके का था कि उस थायराइड ने उनको इस कदर बदसूरत बना दिया कि वो बॉलीवुड लाइमलाइट से ही दूर हो गई। अपने पति के निधन के बाद साधना ने फैसला किया कि अब वो दोबारा बॉलीवुड की तरफ नहीं देखेंगी। वही आखिर बार साधना को देखा गया रणबीर कपूर साथ एक रैंप वॉक फंक्शन में। वही आपको बता दें साधना को बहुत इज्जत मिली, लेकिन वो साधना नहीं थी जो बॉलीवुड में बहुत ही खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी। जी हाँ, साधना हेयर स्टाइल और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली आखिरी वक्त में बहुत अकेली रह गई। वही आपको बता दें उनको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होने लगी थी, वो किराए के मकान में रहती थी और वहीं पर हो गया उनका 2015 में निधन और साधना जैसी ही अभिनेत्री हमें छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी जब साधना का नाम आता है तो हेयर कट का नाम जरूर आता है, क्योंकि वो हेयर कट उन्हीं के नाम पर बना था। पर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।